नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित धामपुर की, जहां अनंत नियति वर्ल्ड पीस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित अनंत श्री शिव शक्ति पीठ तथा संस्कारशाला आश्रम धामपुर पर श्री शनिधाम एवं नवग्रह मंदिर के स्थापना कार्यक्रम के तृतीय दिवस का पूजन करते हुए आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज ने सूर्य आदि नवग्रह का षोडशोपचार पूजन सम्पन्न कराया। उत्तम भारद्वाज, मोती शर्मा, मनोज शर्मा, सत्यवीर शांडिल्य ने नवग्रह मंत्रोच्चार के साथ विधि संपादन में सहयोग किया। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह ने शंख बजाकर पूजा अर्चना की। सुंदर सजे हुए वाहनों में विग्रहों को स्थापित करके मंगल कलश यात्रा ढोल नगाड़ों के बीच निकाली गई। कलश यात्रा का आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, प्रभात यादव, दुष्यंत चौधरी, देवेंद्र कुमार, राजीव त्यागी, शालू वर्मा, नीरज वर्मा, पप्पू चौहान, महिपाल सिंह, सौरभ रस्तोगी, डॉक्टर ए के सक्सेना, सुनील वर्मा, सौरभ मित्तल, पुष्पेंद्र चौहान, कमल देव, अरुण चौहान, अखिलेश चौहान, अनंत भारद्वाज, सुनील चौहान, सुभाष कौशिक, लक्ष्मी देवरा, कविता भारद्वाज, बबीता त्यागी, दीप सौरभ, हिमांशु विश्वास, मनोज चौहान, सुगम जैन आदि उपस्थित रहे। वहीं फल चौराहे पर योगेश रस्तोगी बाबू भैया एवं रस्तोगी परिवार द्वारा कलश यात्रा का स्वागत किया गया। रस्तोगी परिवार द्वारा पंडित दिनेश चंद्र भारद्वाज का शॉल उठाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी को फलों व शरबत का वितरण भी किया गया। स्वागत करने वालों में रवि रस्तोगी, वीरेंद्र रस्तोगी, बालकिशन रस्तोगी, यश रस्तोगी, सुरेश रस्तोगी, नरेश रस्तोगी, सुमित गोस्वामी, शिव कुमार गोस्वामी आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के समापन के बाद हवन पूजन के साथ श्री शनिदेव तथा नवग्रह देवताओं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, शनि की स्थापना की गई। तत्पश्चात अनंत श्री शिव शक्ति पीठ तथा संस्कारशाला आश्रम पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।